उनके लिए आज दीक्षांत समारोह का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी निर्देश के आलोक में मल्टीक्राफ्ट आईटीआई की ओर से आप सबको को जो लोग सत्र 2022-24 करेक्ट में जिन लोगों ने सफलता हासिल की है अपने कठोर परिश्रम से, लगन से, मेहनत से, अपने इस ट्रेंड में अच्छा परिणाम प्राप्त किया, उन सबके लिए प्रमाण पत्र वितरण का आज तिथि निर्धारित हुआ और आपको सूचित किया गया। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, मैं सबके लिए ताली चाहूंगा, आप सबके लिए, किसी के लिए नहीं, कि आप जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे प्रशिक्षणार्थी बैठे हुए हैं, ये सभी के सभी सफल प्रशिक्षणार्थी। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा, विश्वास है संस्थान को, पूरा पूरा विश्वास है संस्थान अपने हरेक बच्चे के लिए, अपने हरेक बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारे निदेशक महोदय का संवाद आप सबके लिए है। निदेशक महोदय किसी जरूरी कारणों से अभी उनको बाहर जाना निकलना पड़ा, जिस कारण से आपके बीच में उपस्थित नहीं है, पर उनका संदेश हमेशा हौसला अफजाई करता रहेगा कि ये बच्चे जो पास आउट होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि ये हमारे कॉलेज से चले गए, ये हमारे पूंजी है, पूंजी मतलब हमारे धन है, जो जो भी हमारे यहाँ से पास करके जाते हैं, जिस सत्र के बच्चे होते हैं वो जब कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं और जब यह उनके मन में आता है कि हम मल्टीक्राफ्ट से पढ़ के आए हैं, ये तो नहीं बोलेगा ना कि कोई पास करके जाएगा तो दूसरा नाम तो नहीं लेगा, जहां से पढ़ा वहीं का नाम लेता है, तो उससे संस्थान का नाम होता है। और फिर से आपको एक बार सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपने मल्टीक्राफ्ट आईटीआई की ओर से, कि यह एक अच्छा और सुखद समय है कि हम लोग एक जगह बैठ के आज प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। एक छोटी सी सूचना भी है, झक मार छ सदा
खुशी होनी चाहिए कि ये कई काम भी करते हैं और हमें पता रहते कि सर इनको जल्दी थोड़ा जल्दी पता भी नहीं था कि हम टॉप किए हैं। अभी इनको सूचना मिला कि आप कॉलेज में टॉप किए हैं, दोनों ब्रांच में सबसे ज्यादा है। मकसद रहा या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का मकसद हो, अपना प्राइवेट सेक्टर में जाने का मकसद हो, या खुद अपना एंटरप्रेन्योर बनने का मकसद। जिनका भी गवर्नमेंट सेक्टर का मकसद है, जिन्होंने रेलवे को लेकर के खास करके तैयारियां की है, आइडिया किया है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ गोल्डन बैच आपको। क्योंकि अभी आप लोग पास आउट हुए हैं, सर्टिफिकेट मिला है, आने वाला एक या दो महीना में रेलवे में बहुत बड़ी नियुक्तियां आ रही है, आप लोग को पता होगा। साथ साथ में और सारे डिपार्टमेंट में भी नियुक्तियां चल रही है, इसमें आप लोग अप्लाई कर दिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए उसका। कॉलेज के समय में आप लोगों ने बहुत बढ़िया मेहनत किया, बढ़िया प्रिपरेशन किया, क्लास आप लोगों ने डेली अटेंड किया, उसका लाभ लीजिए। आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, आप लोग के अंदर स्किल भी अच्छे हैं, आप लोगों ने स्किल भी बढ़िया से किया है, उसका यूटिलाइज कीजिए आगे चलकर। जो भी सामने में नियुक्तियां दिख रही है, अभी बिहार में पावर होल्डिंग की नियुक्तियां चल रही है, वहां अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अप्रेंटिसशिप की नियुक्तियां चल रही है, रेलवे में अप्रेंटिसशिप की नियुक्तियां चल रही है, आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आने वाला समय में फ्यूचर में से दो महीना में रेलवे भर्तियां दे रही है, ग्रुप सी में, ग्रुप डी जिसको पहले बोला जाता था, अब वो ग्रुप डी ना रखकर के ग्रुप सी हो गया है, वहां आप लोग अप्लाई कीजिए। मतलब ये बहुत बड़ा गोल्डन बेस, क्योंकि आप लोग जस्ट पास आउट हुए और एक महीना बाद आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, इसका भरपूर लाभ उठाइए आप लोग। मेरे और हमारे संघों की तरफ से आप लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।